आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे बुक फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड पोयम फायर एंड आइस, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हम लोग जानेंगे कि इस पोयम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या बताना चाहते थे। इस पोयम को हम लोग हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, जिससे हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या आप लोग रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में कुछ जानते हैं? तो चलिए पहले देखते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट आखिर थे कौन। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पूरा नाम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट था। उनका जन्म 26 मार्च 1874 में हुआ था और उनका डेथ 29 जनवरी 1963 में हो गया। वो एक अमेरिकन पोएट थे। ही इज वेल नोन फॉर हिज रियलिस्टिक राइटिंग्स ऑफ रूरल लाइफ एंड हिज यूज ऑफ अमेरिकन इनफॉर्मल स्पीच। ये जो पोएट है ये बहुत ही अपने रियल राइटिंग से बहुत ही जाने जाते हैं। इनका मेन मकसद था कि ये जो भी पोएट्री लिखे, जो भी पोएम लिखे, वो हमेशा रियल हो, ट्रुथ हो, जो दूसरों को कुछ बताता हो, कुछ समझाता हो। फ्रॉस्ट हैज़ ऑफन बीन कोटेड बाय अदर पीपल। ही वॉज ऑनर्ड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, रिसीविंग 4 पुलित्ज़र प्राइजेस फॉर पोएट्री। ये इतने महान पोएट थे कि इन्होंने 4 पोएट्री के प्राइजेस जीते हैं, और वो भी पुलित्ज़र प्राइजेस। इनको बहुत सारे लोगों से रेस्पेक्ट भी मिला था, क्योंकि इनने जो लिखा था पोएम वो बहुत ही रियल, बहुत ही रूरल लाइफ के बेस्ड पर था। वॉट इज़ फायर एंड आइस अकॉर्डिंग टू द पोएट? इस पोएम में जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनके हिसाब से फायर और आइस का मतलब क्या है? फायर एंड आइस इज अ शॉर्ट पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इन दिस पोएम द पोएट रेफर्स टू 2 प्रेडिक्शंस ऑफ हाउ द वर्ल्ड विल एंड। सम से इट विल एंड इन फायर, वेयर एज अदर से इट विल एंड इन आइस। ये जो फायर एंड आइस पोएम है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का सबसे छोटा पोएम है। इस पोयम में उन्होंने 2 अंदाज़ा लगाया कि कैसे ये दुनिया ख़त्म होगा, फायर से या आइस से। कोई कहता है कि ये दुनिया आग से ख़त्म हो जाएगा, और कोई कहता है ये दुनिया बर्फ यानी ठंड से ख़त्म हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू द पोएट फायर स्टैंड्स फॉर डिज़ायर, ग्रीड, एवारिस एंड लस्ट। जो पोएट है उनके हिसाब से जो फायर है वो डिज़ायर, ग्रीड, एवारिस और लस्ट को दर्शाता है। और जो आइस है मतलब हो गया इनटॉलरेंस, इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, इनडिफरेंट। पोएट यही बोल रहे हैं कि फायर का मतलब डिज़ायर, ग्रीड, लालचपन, लस्ट, एवारिस, और आइस का मतलब इनटॉलरेंस, इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस या फिर इनडिफरेंट। तो चलिए इस पोएम का फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted for desire, I hold with those who favor fire. तो इस स्टैंजा में पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि संसार आग से नष्ट होगा, कुछ कहते हैं बर्फ से नष्ट होगा, लेकिन मेरी इच्छा यह है और मैं उन लोगों का समर्थन करता हूँ जो कहते हैं कि संसार आग से नष्ट होगा। तो इसमें पोएट उन लोगों का ले रहे हैं पक्ष जो बोलते हैं कि जो वर्ल्ड है वो पूरा फायर से ख़त्म हो रहा है, वो उन लोगों के साथ देते हैं। उनका कहना है कि कोई कहता है आग से दुनिया ख़त्म होगी, कोई कहता है बर्फ़ ठंड से ख़त्म होगी, लेकिन जैसा कि उन्होंने अपने हिसाब से अनुभव किया है, टेस्ट किया है, उनको लगता है कि ये दुनिया पूरा फायर से ख़त्म हो जाएगा, और वो उन्हीं लोग का साथ दे रहे हैं जो बोलता है कि दुनिया फायर से ख़त्म होगा। तो इस स्टैंजा में वो फायर को सपोर्ट करते हैं। सेकेंड स्टैंजा, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। लेकिन यदि मुझे, यानी कि पोएट को, लेकिन यदि मुझे 2 बार मरने का अवसर मिल जाता तो मेरे विचार से मैं जानता हूँ
कि संसार में नफरत इतनी है कि संसार का अंत बर्फ से होगा, भी वो भी महान है और वह काफी रहेगा। उनका ये भी कहना है कि अगर उनको दो बार मरने का मौका मिल जाए तो वो इतना नफरत जानते हैं संसार में, दुनिया में, कि वो जो संसार है उसका अंत बर्फ से होना भी महान है और वो काफ़ी होगा। तो वो इस स्टैंजा में जो कोल्ड है, जो कोल्डनेस है, आइस है, उसका भी सपोर्ट करते हैं। उनका ये भी कहना है कि जो संसार है वो आग से ख़त्म होगा, और उनका ये भी कहना है कि बर्फ से भी ख़त्म होगा। वो चाहते हैं, वो जानते हैं कि दुनिया में इतना हेट है, इतनी नफरत है कि बर्फ से भी दुनिया ख़त्म हो जाएगा, वो भी महान और वो काफ़ी भी होगा। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि जो आग है वो भी संसार में इतना भी कम नहीं कि उससे ना ख़त्म हो, उससे भी ख़त्म हो सकता है। तो वो फर्स्ट स्टैंजा में आग को सपोर्ट करते हैं और सेकंड स्टैंजा में आइस को। उनका यही कहना है आखिर में कि जो दुनिया है वो आग से भी ख़त्म हो सकता है और बर्फ से भी, और वो सब भी काफ़ी रहेगा। मीनिंग ऑफ फायर, इस पोयम में जो फायर है उसका पूरा मतलब क्या है? इन दिस पोयम फायर स्टैंड्स फॉर हैट्रेड, कॉन्फ्लिक्ट, फ्यूरी, अवेयरनेस एंड ग्रीड। जो इस पोयम है इसमें जो फायर है उन सब का जो मतलब इस पोयम में निकलता है, पहला तो हो गया हैट्रेड मतलब नफरत, कॉन्फ्लिक्ट मतलब द्वंद्व, फ्यूरी मतलब क्रोध, अवेयरनेस मतलब लोभ एंड ग्रीड, ग्रीड मतलब लालच। तो इस पोयम में फायर का मतलब यही है, लालच, लोभ, क्रोध, नफरत, इन सब का मतलब फायर से जुड़ा हुआ है। इस पोयम में आइस का मतलब क्या है? इन दिस पोयम आइस स्टैंड्स फॉर लस्ट, रिजिडिटी, इंटॉलरेंस, इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, इनडिफरेंट। लस्ट मतलब क्या? कामुकता। रिजिडिटी मतलब उसका मतलब ही कामुकता। इंटॉलरेंस मतलब असहिष्णुता। इनसेंसिटिविटी मतलब भाव शून्यता। कोल्डनेस मतलब ठंड, उदासीनता। इनडिफरेंट मतलब तटस्थता। मतलब वो यही बोल रहे हैं कि आइस जो है वो उदासी के लिए स्टैंड करता है इस पोयम में। अब देखते हैं जो फायर, जो डिजायर, उससे अर्थ ऐसा दिखता है, अर्थ इन फायर। अर्थ इन आइस, आइस मतलब उदासी, उससे कैसा दिख रहा है हम लोग का अर्थ? मतलब इन दोनों पिक्चर से हमें यही समझ आता है कि चाहे वो अर्थ आइस से खत्म हो या फायर से खत्म हो, दोनों में वो रोएगा ही, मतलब दुनिया का अंत हो ही जाएगा। अब इस पोयम में जो मीनिंग्स है, जैसे कि दो वर्ड है जो समझ नहीं आएगा किसी किसी को, तो पेरिश, इसमें जो पेरिश लिखा है जो सेकंड स्टैंजा के फर्स्ट लाइन में था, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, तो पेरिश का मतलब हो गया डाई, मरना। और जो लास्ट लाइन में लिखा था एंड वुड सफिस, तो सफिस मतलब बी सफिशियंट।
तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का, और अगर आपको इसी तरह और भी चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन चाहिए, किसी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो हमारे चैनल गोल ऑन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, सब्सक्राइब प्लीज़।